हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अविनाश सिंह। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त आपकी टॉप 10 नोट काउंटिंग मशीन फेक नोट डिटेक्टर के साथ 2024 के लिए। ठीक है, सबसे खास बात है ये लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली मशीनें हैं और चलाने में काफ़ी ईजी हैं, कोई भी इनको ईजिली ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, और आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। मशीन खरीदने के लिए सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं 2024 के लिए बेस्ट मशीनें कौन सी हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं पहला मॉडल हमारा ऑटोमेटिक बिल काउंटर, जो कि UEMG डिटेक्शन के साथ एट और बैच फंक्शन के साथ मिल जाता है, जिसमें आप ऑटोमेटिक काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। डुप्लीकेट नोट आती है मशीन इस तरीके से, अलार्म के थ्रू आपको इंडिकेट करेगी, बीप भी देगी साथ में। ये आपका लास्ट नोट होगा डुप्लीकेट, इसको निकाल लेंगे और काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ऐड और बैच की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ऐड आप प्रेस करेंगे, उसके बाद ऐड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप काउंटिंग करेंगे, पहली बार काउंट करेंगे तो 100 पीस काउंट करेगा, फिर जो भी नोट इसमें ऐड काउंटिंग करते जाएंगे तो सम होता जाएगा। अभी देखिए 100 पीस काउंट किया, दोबारा डालूंगा तो सम कर देगा, 200 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें ऐड का यूज़ कर सकते हैं। बैच बनाने के लिए आपको बैच प्रेस करना होगा, पहले हम ऐड को क्लोज करते हैं। बैच प्रेस करेंगे और प्लस माइनस से जितने का भी बैच आपको सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमें बनाना है 50 का बैच, तो मैं माइनस से 50 पे आ जाऊंगा, मैं 25 पे आ गया, ज़्यादा हो गया तो प्लस से ज़्यादा पे चले जाएंगे। अब 50 पे सेट हो गया तो 50-50 करके दो बार में बैच बन जाएंगे इस तरीके से। ये पहला बैच, ये सेकंड बैच। ठीक है, इसमें आपके 10 से लेके सारे नोट आपके काउंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं देखिए 5 नोट है 500 के, ये भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। सिर्फ ये पीसीस में काउंट करेगी तो पीसीस बता देगा कितने पीसीस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा मॉडल है, कॉम्पैक्ट मॉडल है, मॉडल है इसका ओवल। ठीक, ये आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में है और फर्स्ट मॉडल की तरह ही UEMG के साथ एड बैच फंक्शन मिल जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है ऑटो मैनुअल, जिसमें कि आप मैनुअल का यूज करके पहले नोट आराम से रख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और ऑटोमेटिक से आना है तो डायरेक्टली जब आपका हाथ साफ हो जाए तो आप ऑटोमेटिक बटन दबा दीजिए, यस हो जाएगा, यानी ऑटो पे आ गई है मशीन। अब नोट डालते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नकली नोट कैसे डिटेक्ट करेगा, इस तरीके से करेगा। देखिए, इसमें नकली नोट मैंने इंसर्ट कर दिया, अब पुट करते हैं। जैसे डुप्लीकेट नोट आएगा मशीन रुक जाएगी, लास्ट नोट स्टेकर में वही नकली होगा, इसमें भी अलार्म से इंडिकेट करेगी और बीप से। ठीक है, काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट दबाएंगे, और ये प्रोफेशनल मशीन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो ये नकली नोट को गिनती में नहीं लेती। जो बेसिक मॉडल होते हैं वही सिर्फ आपका नकली नोट को भी गिनती में लेते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा हैवी ड्यूटी मॉडल है, मॉडल है इसका ओलसी प्रो। इसमें आपको UEMG के साथ साथ IR और MT का फंक्शन भी मिल जाता है डिटेक्शन के लिए। आप जूम करके देख सकते हैं स्क्रीन पे, IR और MT का भी फंक्शन मिल जाता है। बाकी ऐड बैच का फंक्शन तो होता ही है, इसमें आप वॉइस फीचर भी यूज कर सकते हैं, वॉइस प्रेस करके, और ना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं वॉइस बटन से। साथ में इसमें सेमी वैल्यू का फंक्शन मिल जाएगा, ऑटो मैनुअल का फंक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हम काउंटिंग और फेक नोट डिटेक्शन देखते हैं। ठीक, तो ये मैंने डुप्लीकेट नोट इंसर्ट कर दिया, बहुत ही स्मूथ काउंटिंग है। जैसे डुप्लीकेट नोट आया, देखिए यहाँ अलार्म की लाइट ब्लिंक कर रही है, बेल ब्लिंक कर रही है, साथ में डिजिट का कलर रेड में बदल जाएगा और बीप देगी। ठीक है, वो इस फ्यूचर के जरिए बोल के भी बताएगी। ये आपका डुप्लीकेट नोट है, साइड कर लेंगे, काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। इसमें हम सेमी वैल्यू का फीचर जो एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। वैल्यू प्रेस करना है जो भी आपकी नोटों की गड्डी हो, जैसे 20 की गड्डी, तो मैं यहाँ 20 की वैल्यू मैनुअली सेलेक्ट करूँगा प्लस माइनस से, तो मैं 20 की वैल्यू मैंने चूज कर ली। अब जैसे ही नोट इंसर्ट करूँगा तो ये पीसीस के साथ वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बता देगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। सकते हैं यहाँ आप देखेंगे इंडियन रुपीस हैं, US डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीस। साथ में आपको मैंने बता दिया UEMG IR MT डिटेक्शन सेंसर मिल जाता है, बैच मोड मिल जाता है, आप इसमें बैच बना सकते हैं। प्रीसेट आपका 100 का, 50 का, 20 का होता है, और चाहें तो अपनी मैनुअली कोई भी डिजिट प्रेस करके आप बैच बना सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करने के लिए ऐड मोड है, जिसमें आप लगातार सम कर सकते हैं।
ठीक है। और ऑटोमेटिक मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, अभी मशीन ऑटो पे है। साथ में सेमी वैल्यू का फीचर मिल जाता है, आप अपने नोटों के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। और वॉइस का फीचर भी मिल जाता है, स्टार्ट प्लस वॉइस का साथ में है, अभी ऑफ है, मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, वॉइस ओपन हो गई। ठीक है, तो जो भी हम काउंट करेंगे तो ये मशीन स्पीकिंग करके आपको बताएगा जो भी रिजल्ट होगा, इस तरीके से। अभी डेमो चल रहा है तो हम इसको बंद कर देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अभी वॉइस क्लोज हो गई। ठीक, फेक नोट डिटेक्शन, तो उसके लिए मैंने नकली नोट ले लिया, ये 100 के नोट के बीच में एक ये नोट भी डाल देता हूँ, टोटल 101 नोट हो गए। ये आपका, जैसा कि आपको मालूम है, बिल काउंटर है, सिर्फ पीसीस में बताता है, तो ये नकली नोट को भी गिनती में लेगा, लेकिन जहाँ भी नकली नोट आएगा वहाँ मशीन इंडिकेट करेगी, कैसे, बीप के थ्रू। ठीक, स्क्रीन का कलर बदल जाएगा, स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा एरर कोड, और अगर मैंने स्पीकिंग फीचर ऑन किया होता तो ये बोल के भी बताती, तो फिलहाल आपका बीप और कलर डिस्प्ले से बताएगा और मशीन रुक जाएगी जहाँ भी नकली नोट आएगा। तो अभी ये इंसर्ट करते हैं हम 101 पीसीस में टोटल। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको इंडिकेट करेगा, स्क्रीन का कलर बदल गया है। ठीक है, यहाँ अलार्म लाइट ब्लिंक हो रही है, साथ में एरर कोड आ गया है और आपका रुक रुक के बीप दे रहा है, और स्पीकिंग फीचर मैंने अगर ऑन रखा होता तो सबसे पहले बोल के बताती। तो आपका नकली नोट ये स्टैगर में होगा, इसको निकाल लेंगे। आगे के काउंटिंग के लिए हम स्टार्ट प्रेस करेंगे और अभी ये टोटल 101 बताएगी, क्योंकि इस नकली नोट को भी काउंट में लेती है, जितने भी पीसीस के अंदर से गुजरेंगे मशीन उसको गिनती मिलेगी, क्योंकि बिल काउंटर ऐसे ही वर्क करती है। तो अभी हम रीचेक करेंगे। ठीक है, जब भी आप नकली नोट निकाल लें तो रीचेकिंग कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्चुअल में कितने नोट है। तो अभी 100 नोट है रियल वाले। ठीक, अब इनके साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, ये है गोदरेज कूल शेड लाइट हैवी ड्यूटी नोट काउंटिंग मशीन विद फेक नोट डिटेक्शन। इसमें आप सिंपली पीसीस में काउंटिंग कर सकते हैं और नकली नोट को डिटेक्ट कर सकते हैं, साथ में ऐड और बैच का ऑप्शन मिलता है। जस्ट यहाँ नोट प्लेस करने हैं और देखिए कितनी स्मूथ काउंटिंग हो रही है। इजी आपको काउंट करके 100 पीस बता देगा, ओरिजिनल नोट 100। और ये आपका रोटेटेड व्हील भी मिल जाता है, साथ में बैच बनाने के लिए यहाँ नंबर अलग दिए गए हैं, ईजी टू, आप सिर्फ नंबर प्रेस कर दीजिए जितने का भी बैच बनाना है। ऐड के लिए ऐड ऑप्शन है, UEMGDD ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अभी हमने 100 नोट काउंट करके देख लिया, डुप्लीकेट नोट को कैसे रोकेगी मशीन, ये देखिए मैंने एक फॉल्टी नोट इसमें मिला दिया, जैसे नोट इंसर्ट करूँगा मशीन उसको रोक देगी जहाँ भी वो नोट आएगा। ठीक, मशीन में वो नोट आती डिटेक्ट हो गई, और ये आपका स्टेकर में लास्ट नोट होगा, जो भी फॉल्टी होगा उसको निकाल लेंगे। आगे के काउंटिंग के लिए रिस्टार्ट दबाएंगे, और ये मशीन आपका नकली नोट को काउंटिंग में नहीं लेती, सिर्फ रियल नोट को काउंटिंग करेगी, जो भी रियल नोट पास होंगे 100 नोट तो 100। गोदरेज काउंटमैटिक मॉडल, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे UVMGIR MT दिख रहा है, ये आपके सेंसर हैं फेक नोट डिटेक्शन के लिए। जब भी फेक नोट डिटेक्शन करना है तो ये आपके हमेशा ऑन होने चाहिए, ये चारों बटन से ऑन ऑफ होते हैं। यहाँ करेंसी मोड आ रहा है, इंडियन करेंसी मोड है। ठीक, इसमें इस इंडियन करेंसी के अलावा आप यूरो डॉलर का भी काउंट एंड डिटेक्शन कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको करेंसी मोड से मिल जाएगा। आपको करेंसी प्रेस करनी है तो यहाँ से चूज हो जाएगा, US डॉलर आ गया, फिर प्रेस करेंगे तो यूरो आ गया, और दोबारा प्रेस करेंगे तो इंडियन करेंसी आ जाएगा। तीन तरह की करेंसी इसमें आप काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको बैच मोड मिल जाएगा, ऐड मोड मिल जाएगा, मैनुअल ऑप्शन मिल जाएगा, और वैल्यू यानी कि सेमी वैल्यू का फ्यूचर भी है इसमें। ठीक, तो अभी हम फिलहाल वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें छोटे नोट काउंट करके देखते हैं। ये हमारे पास 100 नोट है 20 के। तो नोटों को कैसे प्लेस करना है, सिंपल आपको नोट बराबर रखने हैं और यहाँ आपको छोड़ देना है स्लाइड करके, तो इससे आपका काउंटिंग इजीली काउंट हो जाएगा। तो ये 100 पीसेस काउंट करके बता दिए इसने, आपको जूम करके देख सकते हैं ये 100 पीसेस काउंट कर दिए। एक बार फिर से मैं डाल के दिखाता हूँ, ये 100 नोट हैं, आपको यहाँ डालना, हल्का सा स्लाइड कर देना, इजीली काउंट होगा। ये मशीन आपकी 200 नोट होल्डिंग कैपेसिटी और 200 नोट स्टैगर कैपेसिटी के साथ आती है, साथ में इसकी स्पीड होती है 1000 नोट पर मिनट होती है। और आप इसका वेट देख सकते हैं, मैं बॉक्स चेक करके बता देता हूँ, वेट इसका अप्रोक्स 6 kg के आसपास वेट होता है इसका। और अभी अपने सिंपल 20 छोटे नोट काउंट करके देखे 20 के। अब मैं इसमें 500 के नोट काउंट करके दिखा देता हूँ आपको, 37 नोट हैं बड़े वाले, इसमें छोटे हर साइज के नोट आ जाएंगे आपको जो भी इंडियन करेंसी में।
ठीक है, तो इसने 37 पीसेस काउंट कर दिए। मशीन पीसेस में काउंट करती है तो पीसेस ही बताएगी। अब इसमें फेक नोट डिटेक्शन देख लेते हैं कैसे करता है। उसके लिए गड्डी में मैंने एक नकली नोट मिला देता हूँ, ये एक नकली नोट है, कहीं भी गड्डी में इंसर्ट कर दिया। अब इसको प्लेस करते हैं। जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी, साथ में आपको रुक रुक के बीप देगी मशीन, और स्क्रीन पे ये देखिए ब्लिंक करने लगेगा जो भी सेंसर आपका डिटेक्ट करेगा नकली नोट। यहाँ यूवी सेंसर ने डिटेक्ट किया है, तो ये यूवी सेंसर ब्लिंक कर रहा है, साथ में यहाँ देखिए अलार्म लाइट ब्लिंक कर रही है, एरर कोड आ गया, ठीक। आप और स्क्रीन का कलर पूरा रेड में बदल जाएगा। और नकली नोट कहाँ होगा, आपका स्टेकर में ये लास्ट जो नोट होगा वो नकली होगा, इसको साइड में कर लेंगे। और आगे की काउंटिंग के लिए इन नोटों को उठा के रख देना है या स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है, तो बची हुई काउंटिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये मशीन आपकी नकली नोट को गिनती में नहीं लेती, तो 100 पीसेस ही सिर्फ असली वाले काउंट करके बताएगी। एक बार दोस्तों, ये हमारा 7वां मॉडल है ऑटोमेटिक मिक्स नोट काउंटिंग मशीन BR560, ठीक है। इसमें आप 10 से लेके 500 तक के जो भी नोट आपके मार्केट में चलन में है सब इकट्ठा डाल सकते हैं, जिसमें ये आपको वैल्यू बता देगा, टोटल पीसेस बता देगा। देखिए यहाँ मैंने मिक्स नोट ले लिए हैं, ठीक है। 11 नोट 100 के हैं, 5 नोट 500 के हैं, और 200 का एक नोट है, बाकी 100 नोट 20 के हैं, ठीक है। नोटों को हमेशा बराबर करके सेंटर में आपको इंसर्ट करना है, तो आप एक का एक साथ ये यहाँ पे वैल्यू बता देगा। नकली नोट आते ही मशीन इस तरीके से रुक जाएगी, और आपका देखिए ये अलार्म लाइट भी ब्लिंक कर रही है, बीप भी दे रहा है। इसमें स्पीकिंग फ्यूचर भी होता है, अगर आपने ऑन रखा है तो बोल के बताएगा। ये देखिए डुप्लीकेट नोट को हम साइड कर लेंगे, और काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे। इसमें 4 पैड के की पैड एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, अदर फंक्शन इसमें ऐड बैच बेसिक मशीनों के सारे फंक्शन तो होते ही, ऑटो मैनुअल काउंट, साथ में इसमें आपको डिफरेंट करेंसी मोड मिल जाता है काउंट एंड डिटेक्ट करने के लिए, जैसे $, यूरो, पाउंड। और साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग के लिए क्या करना है, जब हमारे गड्डी में कोई डिफरेंट नोट आए तो कैसे छांटना हो, उसके लिए सॉर्टिंग का ऑप्शन भी है। यहाँ देखिए हम सॉर्ट को प्रेस कर देंगे, पहले तो हमें करेंसी पे आना है इंडियन पे, ठीक। सॉर्ट प्रेस किया, ठीक है, सॉर्ट मोड एक्टिवेट हो गया। अब इस गड्डी में जैसे ही मैं 100 का नोट डालता हूँ, तो जैसे ही डिफरेंट नोट आएगा मशीन उसको भी रोक देगी सॉर्टिंग में। ये सॉर्टिंग का फीचर सिर्फ मिक्स नोट काउंटिंग मशीन में होता है, ठीक है। इस तरीके से आप नोट छांट सकते हैं। आगे की काउंटिंग के लिए हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारी सॉर्टिंग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, AKS ऑटोमेशन का मिक्स मास्टर, ठीक है। यहाँ देखिए इस मशीन पे आपको स्पेशल अलार्म लाइट दी गई है, जो कि आपका जब भी नकली नोट डिटेक्ट करेगा तो ब्लिंक करेगी। स्पेशल आपको अलार्म लाइट मिल जाती है। इस मशीन में आपको साइड में एक्स्ट्रा कीपैड मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल पीसेस बता देगा डिस्प्ले में, और यहाँ टोटल वैल्यू। मशीन को बैक साइड से हम पावर ऑन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है आपका डिस्प्ले, जो भी पीसेस काउंट करेंगे टोटल पीसेस यहाँ आएगा, टोटल वैल्यू यहाँ आएगा, ठीक है। विद इन 2 सेकेंड में आपकी मशीन ऑन हो गई। अभी 0-0 है क्योंकि कुछ काउंटिंग किया नहीं हमने, तो अभी हम इसको यूज करके देखते हैं कैसे वर्क करती है मशीन। ये आपका फुली ऑटोमेटिक मिक्स नोट काउंटर है, तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 20 के 100 नोट ले लिए, 7 नोट मेरे पास हैं 100 के, एक 200 का मिला लिया, 2 10 के नोट हैं जो कि आप देख सकते हैं यूज नोट हैं, ठीक है। मतलब कई बार आप लोग बोलते हैं कि पुराने नोट नहीं ठीक से काउंट करेगी, सबको मैंने मिक्स कर लिया है, अब बीच में डाल दिया, कहीं भी नोट आप डाल सकते हैं। तो देखिए एकदम स्मूथ काउंटिंग हो रही है, ठीक। आपका यहाँ टोटल पीसीस आ जाएंगे, टोटल 110 पीसीस हुए, टोटल अमाउंट हो गया, और कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी पे है आप जूम करके देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने 100 के 7 नोट डाले थे, और 20 के 100 नोट थे, 10 के 2 नोट थे, और 200 का एक नोट था, ठीक है। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया, टोटल पीसीस आपका काउंट कर दिया। अभी देख लेते हैं इसमें फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। तो ये मैं इसके लिए एक फॉल्टी नोट डाल देता हूँ बीच में, जैसे ये नोट डिटेक्ट करेगी खराब नोट मशीन रुक जाएगी, ठीक। इस तरीके से आपका अलार्म लाइट ब्लिंक करेगा, मशीन स्पीकिंग फीचर ऑन है तो बोल के भी बताएगी, और रुक रुक के बीप देगी तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नकली नोट है, ठीक है। इसके बाद स्टेकर में से नकली नोट निकाल लेंगे। आगे की काउंटिंग को पूरा करने के लिए आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है तो आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रिजल्ट शो करेगा, टोटल
This is total value. External ATS value master, mix not counting machine. So, total number of notes, total amount, each number of note here, like 50 notes, 51 note, 570 note. Also, so inside display result like this, number of pieces and total amount. Let's check again. Let's check how to detect fake note. This is one of fake note, insert anywhere in bundle and check. When fake note comes, alarm light is blinking and so error code on the screen like suspicious note detected by LG system and side screen turn into red and continuous beep sound. This indicate fake note. The last note in the stacker is the fake. Press continue. तो ये हमारा 10th और लास्ट मॉडल है, मॉडल है टच प्रो। इसका फ्रंट पैनल आपका पूरा टच पैनल होता है, ठीक है, और साथ में आपको एक्स्ट्रा डिस्प्ले और मेन कीपैड ऑप्शनल में मिल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम काउंटिंग, मिक्स नोट काउंटिंग और फेक नोट डिटेक्शन देखते हैं। ये हमने इंसर्ट किया, जैसे डुप्लीकेट नोट आएगा मशीन रुक जाएगी। इस तरीके से आपको स्क्रीन पे मैसेज दे देगा, स्पीकिंग फीचर बोल के भी बताएगा, साइड डिस्प्ले इस तरीके से रेड में बदल जाएगा, साथ में बीप भी देता रहेगा जिससे आपको इंडिकेट हो जाएगा कि डुप्लीकेट नोट आया है। तो डुप्लीकेट नोट ये रहा स्टेकर में, इसको निकाल लेंगे। आगे के काउंटिंग के लिए स्टार्ट प्लस टच करेंगे सर, तो हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इस मशीन में आप रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। सामने आपको तो वैसे दिखाएगा कि कौन सा पीस कितनी क्वांटिटी में है और टोटल वैल्यू, टोटल पीसेस। यहाँ आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में है उसकी भी वैल्यू बता देगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 500 के 5 नोट हैं तो 2500 वैल्यू, 200 का एक नोट है 200, 100 के 11 नोट हैं तो 1100, 20 के 100 नोट हैं तो 2000, टोटल वैल्यू 5800, वो भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। बाकी मिक्स नोट काउंटिंग मशीन की जितनी भी फैसिलिटी है सारी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और कोई भी मशीन इनमें से खरीदनी हो तो आप इन नंबरों पर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ के साथ हमारी वेबसाइट aksautomation.com पे भी जा सकते हैं। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय।